स्टमक तक की जितनी चीज़ें थी अपन ने कंप्लीट कर ली अभी, ठीक है। स्टमक में मेन काम था प्रोटीन डाइजेशन का, वो अपन ने बता दिया। स्टमक के बाद जो अगला पार्ट आता है अपने GIT का, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का, ठीक है, आ रहा है, वो क्या है? ड्यूओडेनम। स्टमक के बाद क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? ड्यूओडेनम, फिर जेजुइनम, फिर इलियम, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो अभी जो अपन पोर्शन पढ़ रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने माउथ का पढ़ लिया, इसोफेगस में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। फिर स्टमक का पढ़ लिया अच्छे से सारा जितना था, ठीक है। और स्टमक के बाद अपन आएंगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट करते हैं। और तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में वैलिड होता है पॉइंट, समझ में? पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलर लेयर है बता रखा है, और वो पूरी मस्कुलर लेयर चर्निंग मूवमेंट्स करती है। चर्निंग मतलब चबाने वाले, ऐसे मूव करती है ताकि फूड मिक्स हो। पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही ना, ये चीज़ पता है तो वही लिखा है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग से नर्वस सिस्टम की कुछ कुछ चीज़ें होती है, वो भी इन्वॉल्व होती है। तो जो चर्निंग मोमेंट्स होंगे ना इसमें बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अभी तक का, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर मोमेंट्स, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल वाली लेयर है वो मूव करेगी। मस्कुलर मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो इसने वर्ड लिखा ना जनरेटेड, ये इसका लोकल नर्वस सिस्टम यहाँ पे कुछ होता है वो जनरेट करता है। कि इसकी जो मस्कुलर लेयर थी ना सर्कुलर और अपना कौन सी लॉन्जिट्यूडनल वाली, उनमें कुछ पेचेस होते हैं, ठीक है कुछ नोड्स होते हैं वो इम्पल्स, जैसे अपने हार्ट में ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है तभी हाथ धड़क रहा है ना, ऐसे फड़फड़ा रहा है ऐसा। तो ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है ना मस्कुलर वाली, उसमें भी ऐसे कुछ कुछ जैसे ऐसे नोड है वहाँ पे, ऐसे यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो नोड्यूल्स यहाँ पे ऐसे इम्पल्स देंगे, उन्होंने जैसे इम्पल्स दिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लोकलाइज नर्वस सिस्टम वहाँ का, ठीक है। वो वहाँ की चीज़ों को ऐसे हिलाएगा, वरना स्टमक में ऐसा कुछ नहीं पड़ा अपन ने कि नर्वस सिस्टम अलग से उसको ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, इसोफेगस में कुछ नहीं पड़ा, ठीक है, सिर्फ यही पड़ा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, ये चीज़ तुमको कैसे यहाँ पे समझाता हूँ ये अपन ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूओडेनम पार्ट है, सबसे पहला पार्ट, ठीक है। अब इधर आता है लीवर, ये चीज पता है। स्टमक के जस्ट नीचे आता है पैनक्रिया, और पैनक्रिया की डेफिनेशन में बताया था कि सी शेप ड्यूओडेनम के बीच में सिचुएटेड है ना, पढ़ा था, ये देख लो बुक में, सी शेप ड्यूओडेनम के बीच में सिचुएटेड है। तो जब पैनक्रिया उसमें पढ़ोगे ना तो उसमें ये आएगा ऐसा, ठीक है। तो पैनक्रिया यहीं पे ऐसा कुछ होता है ये, ठीक है, ये हो गया, ये ड्यूओडेनम हो गया। तो अपन ने जो ग्लैंड्स पढ़ी थी तो ग्लैंड्स में तीन थी, सलाइवरी का काम ऊपर हो गया, अब बची नीचे दो, पैनक्रिया और लीवर, दोनों यहाँ हैं। तो इन दोनों के जो सिक्रीशंस हैं, जो इन्होंने चीज़ें बनाई हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है, तो खाना तो अपन ने इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खाया है ना, वो अंदर ही रहे, खाना बाहर थोड़ी चला जाएगा कि वो लीवर के पास गया, लीवर वहाँ अपनी चीज़ें मिक्स करेगा और खाना वापस आएगा, नहीं, लीवर अपनी डक्ट लाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें भी मैंने तुमको अलग से पढ़ा दी है पहले, लीवर अपनी डक्ट लाएगा, पैनक्रिया अपनी डक्ट लाएगा, दोनों अपनी डक्ट मिला के इसमें खुल जाएंगे। लीवर की अपनी डक्ट होती है, पैनक्रिया की अपनी डक्ट होती है, दोनों डक्ट आएगी मिलेगी और काय में खुलेगी, ड्यूओडेनम में। देखो लीवर के दो लोब है, लीवर को हेपेटा बोलते हैं, तो राइट हेपेटिक डक्ट, देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा लीवर ये है, पैनक्रिया इधर है, स्टमक यहाँ है, और ड्यूओडेनम ये सी शेप यहाँ पे है, ठीक है। तो लीवर से, लीवर के जो दोनों लोब हैं, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों जब मिलेगी तो लीवर की कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगी,
और लीवर के जस्ट वहीं होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर का काम है लीवर ने जो बाइल बनाया है उसको कॉन्सेंट्रेट करना, गाढ़ा करना, ठीक है। ये तो गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट प्लस इसकी कॉमन हेपेटिक डक्ट, दोनों से आई मिल गई तो कॉमन कर दिया, कॉमन हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट, दोनों बाइल ला रही है ना, तो इन ये दोनों जब मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और पैनक्रिया से जो आई है उसको बोला पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके बनाएगी जो डक्ट रहेगी वो ड्यूओडेनम में खुलेगी यहाँ पे। पहले की चीज़ें अगर तुमने पढ़ी होगी ना तो तुमको डक्ट वक्त की चीज़ें क्लियर हो जाएगी, पहले के लेक्चर देख लेना, ठीक है। लीवर की डक्ट प्लस पैनक्रिया की डक्ट जो आई वो कहीं में खुलेगी, ड्यूओडेनम में। अब ड्यूओडेनम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो जैसे स्टमक के अंदर स्टमक की कुछ सेल सिक्रीट कर रही थी ना चीज़ें, HCL, पेप्सिन, ये सब स्टमक खुद सिक्रीट कर रहा था, तो ऐसे ड्यूओडेनम की चीज़ें भी तो कुछ खुद ड्यूओडेनम सिक्रीट करेगा ना। और ड्यूओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपनी कुछ चीज़ें सिक्रीट करेगी ना जो डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें सिक्रीट हुई, एक लीवर की आई, एक पैनक्रिया की आई, और एक थर्ड खुद ड्यूओडेनम की, मतलब खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो तीन जूसेस आएंगे यहाँ, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस आएगा, लीवर से आएगा बाइल, उसको जूस में नहीं बोलेंगे, बाइल जूस बोल दो, ठीक है। तो लीवर से क्या आया, बाइल जूस, पैनक्रिया से क्या आया, पैनक्रियाटिक जूस, और ये इंटेस्टाइन है स्मॉल, तो इंटेस्टाइन से क्या आया, इंटेस्टिनल जूस। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो जो खाना अपना स्टमक से आया है ना और जो ड्यूओडेनम में आगे आएगा, तो यहाँ पे काइम बोला था, तो काइम यहाँ पे जो स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो स्फिंक्टर को क्रॉस करके ड्यूओडेनम में आ गया अभी पूरा खाना, और ये एसिडिक था तो ड्यूओडेनम एसिड से दिक्कत रहेगी ना उसको, तो ड्यूओडेनम भी म्यूकस सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो ड्यूओडेनम के पास एक स्पेशल ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि ड्यूओडेनम की सब म्यूकोसा में होती है। पूरी GIT की जितनी भी ग्लैंड है सब काय में होगी, म्यूकोसा में, और म्यूकोसा की भी लैमनिया प्रोप्रिया में, ठीक है। बट ड्यूओडेनम में एक स्पेशल होगी जिसका नाम क्या होगा, ब्रूनर्स ग्लैंड, और वो ब्रूनर्स ग्लैंड काय में आएगी, इसकी सब म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा, लेक्चर किया था पुराना टाइम। सिरोसा बाहर वाली लेयर थी, फिर मस्कुलरिस आ रही थी, फिर सब म्यूकोसा आ रही थी, अंदर की म्यूकोसा थी, और बीच का जो गैप था उसको ल्यूमेन बोला था, ठीक है। तो सारी जो ग्लैंड्स होती है इसकी वो म्यूकोसा में होती है, और म्यूकोसा की लैमिनिया प्रोप्रिया में होती है, ठीक है। लेकिन ड्यूओडेनम में स्पेशली उसकी सब म्यूकोसा में भी ग्लैंड्स होगी जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि म्यूकस सिक्रीट करेगी। और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देख स्टमक से एसिडिक कंटेंट आ रहा है, और ड्यूओडेनम में जो कंटेंट आएगा या ड्यूओडेनम जो खुद का निकाल रहा है कंटेंट वो बेसिक होगा, तो एसिड से भी बॉडी को दिक्कत है, बेस से भी दिक्कत है, बेस एसिड से ज़्यादा नुकसान देगा, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए ना, समझ गए। जो नॉर्मल म्यूकस सिक्रीट हो रहा है गॉबलेट सेल जो कर रही है उससे यह काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एसिड आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, पूरा खाना ही एसिडिक आ रहा है, और बेस भी सिक्रेट होगा ऊपर से, तो बहुत दिक्कत है। इसलिए इसको म्यूकस ज़्यादा चाहिए, इसीलिए यहाँ ब्रूनर्स ग्लैंड अलग से है, सिर्फ ड्यूओडेनम में होती है और कहीं नहीं होती है, ठीक है। तो ये खाना सबसे पहले एसिडिक ही आया, थोड़ी देर बाद वो बेसिक हो जाएगा, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी कहीं, आगे वो नॉर्मल गॉबलेट सेल से काम चल जाएगा, ठीक है। इतना आया है यहाँ पे अभी समझ में तुम लोगों को, यह आया, हाँ, ठीक है। खाना यहाँ पे आ गया, पूरा खाना है जो भी अपना है, ये इसका मक्का यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ सबसे पहले क्या चीज़ काम करेगी जो अपने को पढ़ना है, पैनक्रिया की, ठीक है। पैनक्रिया की चीज़ें पहले आएगी, पैनक्रिया और लीवर की पहले आएगी, ठीक है, पहले नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आएगी इंटेस्टाइन की, खुद की।
तो खाना आ गया, मैंने बताया तीन जगह से जूस आ रहे थे, लीवर से, पेनक्रिया से और खुद ड्यूओडेनम का या इंटेस्टाइन का। तो सबसे पहले उस खाने पे काम कौन करेगा जो स्टमक से आया है? पेनक्रिया और लीवर वाले, वो अपना काम पहले करेंगे। फिर उनसे जो छोटी छोटी चीज़ें और हुई है, छोटे छोटे टुकड़े या उसके जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, उस पर कौन काम करेगा? इंटेस्टाइन का जूस। तो इंटेस्टाइन का जूस सबसे लास्ट में काम करेगा, ये याद रखना। पहले किसका काम करेगा? पेनक्रिया और लीवर का, ठीक है? तो ये चीज़ अपने को पढ़नी, और यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ठीक है? अब मैं बताते जाता हूँ। तो सिक्रीशंस रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट देना है। तो इसमें किस किस चीज़ के सिक्रीशंस रिलीज हुए हैं? बाइल, कौन करेगा? लीवर और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कॉन्सेंट्रेटेड बाइल दे देगा और लीवर जो नॉर्मल बाइल बना रहा है, ठीक है? सेकेंड है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है? पहला बाइल हो गया, पेनक्रियाटिक जूस, और थर्ड पे आता है अपना इंटेस्टिनल जूस। तीनों चीज़ें बता दी है, ठीक है? और ऊपर की जो दोनों है, बाइल और पेनक्रियाटिक जूस, ये जब तुम पुराने लेक्चर देखोगे तो हेपेटो लीवर से आ रही थी, पेनक्रिया की डक, जब ये दोनों मिलके ड्यूओडेनम में ओपन होगी तो उस कॉमन डक को क्या बोलेंगे? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक। सबके अपने अन्य नाम थे, ये आ गया पक्का, पुराने लेक्चर देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसमें अच्छे से समझा रखा है कि रिवर की राइट लेफ्ट डक, सिस्टिक डक, ये कैसे जुड़ रही है और यहाँ पे कैसे आ रही है, ठीक है? ये हो गया पहला। अब आते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड पे। अब पेनक्रियाटिक जूस, देखो तीन था, लीवर, पेनक्रिया, इंटेस्टाइन। स्टार्ट करते हैं अपन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रिया में जो भी चीज़ें आ गई वो जूस बन गया, ठीक है? तो पेनक्रियाटिक जूस में जितने एंजाइम्स होते हैं ना, वो इनएक्टिव, कहीं के भी ले लो, एंजाइम्स पहले इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, समझे ये चीज़? हाँ, तो इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में भी, उनको भी एक्टिव करना पड़ता है। तो वहाँ पे स्टमक में HCl एक्टिव कर रहा था ना, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो एक्टिव करेगी यहाँ के एंजाइम्स को। हाँ, देख यहाँ पे भी अगर ये एक्टिव रहे तो यहाँ पे भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग वाले होंगे, सब होंगे, तो खुद की इंटेस्टाइन को खाने लग जाएंगे ना। तो इनएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इनका, जब तक खाना नहीं मिले, ठीक है? तो पेनक्रियाटिक जूस पहले कैसा होता है? इनएक्टिव एंजाइम्स, स्टमक में भी इनएक्टिव, ठीक है? तो एंजाइम्स रिलीज किस फॉर्म में होते हैं? हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है? और बाद में किसी चीज़ से एक्टिव होते हैं और वर्क करते हैं, ठीक है? ये होगा। अब अपना आता है कि पेनक्रियाटिक जूस के कंटेंट क्या क्या है। ये पेनक्रिया है, ये लीवर है, इंटेस्टाइन खुद ही है। पेनक्रिया से क्या क्या चीज़ें आ रही है? तो टोटल 6 एंजाइम्स आते हैं पेनक्रिया से, 6, ठीक है? 6 एंजाइम आ रहे हैं। मुंह में एक एंजाइम था, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। स्टमक में भी एंजाइम एक ही था, क्या? पेप्सिनोजन, जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था HCl के साथ। बट यहाँ पे 6 हैं, एक एक 6, ठीक है? 6 में कौन से? ये जो तीन है ना स्टार्टिंग के, 1, 2, 3, पहले का नाम है ट्रिप्सिनोजन, दूसरे का है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरे का है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। तो ये तीनों प्रोटीन से रिलेटेड है। अपन ने खाना खाया उसमें तीनों चीज़ें थी, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो ये जो तीन एंजाइम है ना, ये तीन एंजाइम तुम्हारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। देखो स्टमक में पूरे प्रोटीन्स नहीं टूटे थे, ठीक है? प्रोटीन जब टूटे थे तो प्रोटीओसिस प्लस पेप्टोन्स में टूटे थे, ठीक है? तो हाँ, प्रोटीओसिस प्लस पेप्टोन्स में टूटे थे। अब उनको आगे और भी तो तोड़ना पड़ेगा ना। प्रोटीन कहाँ से बनते? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड तक ले जाना पड़ेगा ना उनको, छोटे छोटे फॉर्म में कर करके, पॉली से, ऑलिगो, डाई, मोनो, ऐसे करके, ठीक है? तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये क्या करेगी? ये तीन प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है? ये तीनों बस, एक स्लाइड, ठीक है? ये जो तीन चीज़ें हैं किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी? प्रोटीन्स, ठीक है? अब तुम बता दो अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? अमाइलेज वर्ड बताया था मैंने, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए होता है बताओ, बताया था मैंने, याद है? नहीं याद है? अमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। मुंह में था सलाइवरी अमाइलेज,
जिसको टाइलिन बोला था, स्टार्स को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, 30% कन्वर्ट कर रहा था। आ गया याद, आज का ही था यार, ठीक है। हाँ तो अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, लिपिड्स को। और न्यूक्लियस, देखो अगर तुमको एक सेल को डाइजेस्ट करना है, कोई भी एक सेल है, तुम कुछ भी खा रहे हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सेल में ये तीन चीज़ें होगी, उसके अलावा डीएनए आरएनए भी तो होगा ना। मतलब तुम कोई भी एप्पल खाया, एप्पल सेल से मिलके बना है ना, तो एट द एंड तुमको सेल को भी तोड़ना पड़ेगा, तो अंदर से क्या मिलेगा। तुम कुछ भी खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, तो नॉन वेज में भी एट द एंड आके सेल तो आ जाएगी ना कहीं, सेल टूटेगी तो उसमें डीएनए आरएनए भी होगा ना। तो डीएनए आरएनए को तोड़ने के लिए क्या है, न्यूक्लियसेस, ठीक है। तो डीएनए आरएनए ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पैनक्रिया से जो जूस आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस, वो टोटल चार चीज़ों में को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। पहली है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के लिए टोटल तीन टाइप के एंजाइम है यहाँ पे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। सेकंड आता है प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज, लिपिड्स के लिए लाइपेज, डीएनए आरएनए के लिए न्यूक्लियसेस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, चार चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहा है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, क्योंकि एक सेल के टूटने पे यही चार चीज़ होगी जो मिलेगी तुमको, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, पैनक्रियाटिक जूस से, ठीक है। लीवर से क्या आएगा, बाइल, और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन का खुद का जूस होगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है ना, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है एंटेरोकाइनेज से, एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज नाम का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही सिक्रीट करती है, ठीक है। एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट सिक्रीट करेगा, थर्ड इलियम, ठीक है। तो एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज, या एंटेरोकाइनेज का अदर नेम, अगर क्वेश्चन में मतलब वो तुमको अगर एंटेरोकाइनेज नहीं देता है, एंटेरोपेप्टाइडेज भी दे देता है, डाइपेप्टाइड, प्रोटीन से रिलेटेड है ना यार ट्रिप्सिनोजन, तो एंटेरोपेप्टाइडेज या डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। एंटेरोकाइनेज, एंटेरोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, काय में, ट्रिप्सिन में, ये सब इनएक्टिवेटेड है अभी, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन में, कौन, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया ट्रिप्सिन में, ठीक है, वो ट्रिप्सिन है ना, ठीक है। एक्टिवेट, और ये जो ट्रिप्सिन अब एक्टिवेट हुआ है ना, ये बाकी दोनों एंजाइम्स को, बाकी सारे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट अदर एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस। तो ये ट्रिप्सिनोजन ये सबको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना ना कि सबसे पहला जो काम है इन छहों में से वो किसका है, ट्रिप्सिनोजन का। ये काई में कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में, किसके थ्रू, एंटेरोकाइनेज के थ्रू। देखा, इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज होता है एंटेरो, हार्ट के लिए होता है कार्डियो, लंग्स के लिए होता है प्लूरो, लंग्स के लिए प्लूरो, हार्ट के लिए कार्डियो, स्टमक के लिए गैस्ट्रो, प्लूरो लंग्स के लिए, ब्रेन के लिए, ठीक है। हाँ तो ऐसे हर चीज़ के अपने अपने वर्ड्स है ना, तो ऐसे इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज होता है एंटेरो। अच्छा ये चीज़ देख, इसमें जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ पे कोशिश करता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। कार्डियो हार्ट के लिए, ठीक है। हाँ अच्छा, बना लिखना है क्या, ठीक है। फ्लोरो लंग्स के लिए, हाँ आ जाओ तुम बना। कार्डियो हार्ट के लिए, प्लूरो लंग्स के लिए ये हुआ, फिर स्टमक के लिए क्या होता है,
गैस्ट्रो, ये तुमने पढ़ा होगा गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट, सुना है कभी? पेट के डॉक्टर के पास जाते तो लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं कि गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट। हाँ मतलब देखेंगे बाद में, अभी पढ़े तो सही। अच्छा ठीक है, गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक से रिलेटेड, ये ठीक है स्टमक हो गया। फिर इंटेस्टाइन का अगर बोलो ना तुमको, अरे यार अच्छा वो उधर वर्ड लिखा था मैंने, हाँ इंटेस्टाइन के लिए होता है एंटेरो, ये चीजें लिख लो तुम, है ना? हाँ इंटेस्टाइन के लिए एंटेरो, ठीक है। और डायफ्राम के लिए होता है फ्रेनिक, फ्रेनिक नर्व सुना होगा या आगे पढ़ोगे, डायफ्राम के लिए वर्ड यूज होता है फ्रेनिक, ठीक है। डायफ्राम का हो गया, फिर डायफ्राम के बाद तुम नेक्स्ट चीज कौन सी देख लो, न्यूरो होता है ब्रेन के लिए, डायफ्राम क्या होता है ऐसा? दो मिनट,